पिछले 2 साल पहले सावनेर से लेकर अमारी फाटा तक केंद्रीय मंत्री के प्रयास से सीमेंटेड रास्ते का काम किया गया था, जो अभी के लिए सुविधा के लिए तैयार किया गया था, पर आज वही रास्ता वाहन चालकों के लिए दिन ब दिन जानलेवा साबित हो रहा है। इस रास्ते पर जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ने से इन दरारों में छोटे छोटे वाहनों के पहिए धंसने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें अनेक सड़क चालकों को भी दुर्घटना में जान गंवानी पड़ती है। जहां तक इन दरारों की मरम्मत करते समय संबंधित विभाग सुरक्षा उपाय जैसे लाइट, रेडियम, दिशा दर्शक फलक एवं और भी साधनों को अनदेखा कर लापरवाही बरतने से वाहन चालकों को दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ रहा है, तो यह बात अब आम हो गई है। आपको बता दें कि बुधवार की शाम पारशिवनी से होते हुए मंसर की ओर मोटरसाइकिल से सवार होकर जा रहे संतोष उइके अपने घर जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में आधा अधूरा काम छोड़ संबंधित विभाग के कर्मचारी चले गए। जहां तक सुरक्षा के किसी भी प्रकार के दिशा फलक साधनों का उपयोग नहीं किया गया था, जिसकी वजह से संतोष उइके की मोटरसाइकिल आधे अधूरे काम की जगह से फिसली और वह औंधे मुंह गिर पड़े। रात का समय होने से वह वहां पर घायल अवस्था में ही पड़े रहे। कंपनी प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज वाहन चालकों को अपनी जान से खेलना पड़ रहा है।